के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को इमाम आजम क्यों कहा जाता है जबकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक अकबर और फारूक रजी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक आजम कहा जाता है? ये भी गलत कहा जाता है, किसी हदीस में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम नहीं है, हम तो इसे भी गलत समझते हैं। सिद्दीक अकबर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फारूक आजम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मौलवियों ने टर्म डिवाइस किए हैं, हदीस में सिर्फ सिद्दीक आया है, ठीक है जी। अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर है, सुल कुबरा अल बैहकी में, मैंने वाकया मेराज वाले लेक्चर में 126 ABC में बताया था कि वाकया मेराज की तस्दीक करने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लकब दिया है। सिद्दीक अकबर ये बिल्कुल बिदत बनाया हुआ है, सिद्दीक है सिर्फ, फारूक आजम भी नहीं, सिर्फ फारूक है। अच्छा आप मुझे ये पूछें सिद्दीक अकबर फारूक आजम आगे क्या आता है? सिर्फ गनी, उथे होना चाहिए गनी कबीर, कोई नहीं ना आया, वो सही है सिर्फ गनी। हैदर करार, हैदर आजम तो कोई नहीं आया ना, अली उल मुर्तदा ही आया, मुर्तदा आजम तो नहीं आया ना। तो ये पहले दो उलमा ने बनाए हुए हैं, इन्होंने ये इसलिए बनाया कि ताकि इसके जरिए हम किसी और को भी टाइटल दे देंगे, वो टाइटल भी गलत है। वो कहते हैं जी अपने जमाने में वो आजम थे, हम कहते हैं ये भी झूठ है, उनके जमाने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उनके उस्ताद और सबसे बड़े आलिम। वैसे तो हम इमाम मालिक को भी उनसे बड़ा इमाम समझते हैं क्योंकि इमाम मालिक हदीस के भी इमाम थे, फिक के भी इमाम थे। इमाम हनीफा से अगर कंपेयर किया जाए उनके जमाने में इमाम मालिक उनसे बड़े इमाम थे और इमाम मालिक के पोता शागिर्द है इमाम हनीफा जी, इमाम मालिक के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद ने इमाम मालिक से अलमोता इमाम मालिक नकल की थी जो अलमोता इमाम मोहम्मद के नाम से मशहूर है। जब इमाम हनीफा के पास आए तो उन्होंने कहा मुझे भी ये हदीसें लिखवाना जो तुम मालिक से सीख के आयो। तो इमाम हनीफा तो पोता शागिर्द है इमाम मालिक के, तो इमाम मालिक को इमाम आजम कहा करें ना, ठीक हो गए क्या?